फोर्स न्यूज में आज फिर से आपका स्वागत है। चूंकि बीजेपी ने भी लगभग अपने टिकटें बांट दी और कांग्रेस भी लगभग उसी दिशा में है, ये तो तय माना जा रहा है कि इस टिकट के बंटवारे में किसी की चल रही है और किसी की नहीं चल रही। आज हमारा विषय है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लें अभी तक जिन्होंने नहीं किया है, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें। साथियों, जैसा पिछले दो बीजेपी के कार्यकाल में वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनती रही, उसी तरीके से कांग्रेस के अंदर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनते रहे। एक के बाद एक ये सारी की सारी चीजें चलती रही और जनता को भी पता है कि अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अगर बीजेपी का शासन आएगा तो वसुंधरा राजे बनेगी, और अगर कांग्रेस का आएगा तो अशोक गहलोत बनेंगे। लेकिन इस बीच के अंदर बहुत सा पानी बह गया, कई नदियां हिमालय से निकल के समुद्र में जाके गिर चुकी। ऐसे में कोई तय नहीं है और बहुत बड़ा कंपटीशन है। आलाकमान सब बदल चुके हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बदल चुके हैं, बीजेपी के अध्यक्ष बदल चुके हैं, वहां की सारी के सारी सिनेरियो चेंज हो गया। वसुंधरा राजे के बिल्कुल प्रबल समर्थक रहने वाले लाल कृष्ण आडवाणी हैं, वो हाशिए पे आ चुके हैं। तो वसुंधरा का जिन्होंने बिल्कुल प्रपोज किया था मुख्यमंत्री बनाने के लिए महाजन साहब, वो भगवान को प्यारे हो गए। अब ऐसे में वसुंधरा वापस अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो वसुंधरा बनेगी, या मोदी कैंप के गजेंद्र सिंह बनेंगे, या अभी सीपी जोशी हैं जो राजस्थान के अध्यक्ष हैं वो बनेंगे, या फिर वापस असम से गुलाबचंद कटारिया को लाया जाएगा। ये सब अपने आप के अंदर जो भाजपा ही हैं उनको ही नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान की जनता के अंदर ये कशमकश लगभग चला हुआ है। हम अपना विश्लेषण बता रहे हैं और कहीं ना कहीं जाके चुनाव के बाद में ये गोटी फिट होती हुई बैठती हुई नजर आएगी। क्योंकि अशोक गहलोत के जो भी उन्होंने रेवड़ियां बांटी है जनता के ऊपर कोई खास असर नहीं रहा। वो आप ऐसे भी देख लें कि अगर अशोक गहलोत के जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम जिसको वो कहते हैं, हालांकि उन्हीं के जोधपुर के विधानसभा में कई महिलाओं ने चिल्ला चिल्ला कर बोला जी हमारे को मोबाइल भी नहीं मिला, हमारे को तो वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल रही। तो जब सीएम के घर की ये स्थिति है तो बाकी तो सब अखबारों के विज्ञापन है। अखबारों के विज्ञापन देख के जिनको लाभ होता है वो तो थोड़े से खुश रहते हैं, लेकिन जिनको लाभ नहीं होता वो चिढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री और राजस्थान की सरकार झूठ बोलती है मोबाइल बांटने के अंदर, वृद्धावस्था पेंशन में, बेरोजगारी भत्ते में। और जब भी कोई झूठा इंसान साबित हो जाता है वो सत्ता में तो नहीं आ सकता। ऐसे में अब बीजेपी की जो संभावना बन रही है, हमने आपको पिछले भी एक दो वीडियो में बताया था कि हम आपको चुनाव परिणाम के बाद में स्पष्ट रूप से बताएंगे। तमाम वीडियो सेव करके रखना कि अब की बार सत्ता में तो बीजेपी के विधायकों की बहुमत ही आने वाली है। अब लड़ाई तो केवल मुख्यमंत्री की है, क्योंकि वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बने उसके लिए उनका पिछले कार्यकाल और उनके समर्थक केंद्र के लोग वो सब कुछ नहीं है। ऐसे में ये जो मुख्यमंत्री की सीट है वो गजेंद्र सिंह जी की तरफ जा सकती है, लेकिन खोलेंगे इसलिए नहीं क्योंकि यदि अभी थोड़ा सा भी रुझान या कोई बातचीत आ गई तो बाकी के लोग असंतुष्ट होकर चुनाव के अंदर गड़बड़ी कर देंगे, एक दूसरे के समर्थक को हराने में कार सेवा कराने के लिए लग जाएंगे। अगर वसुंधरा के समर्थकों को ये बोल दिया जाए कि गजेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं तो गजेंद्र सिंह के इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं उनको वसुंधरा समर्थक लोग बाग हराने में कार सेवा में लग जाएंगे। तो कुल मिला के क्या ढाक के तीन पात वहीं के वहीं। अब चूंकि कांग्रेस तो आज तक कभी भी पिछले दो तीन चुनाव के अंदर कोई प्रबल बहुमत लेके नहीं आई है, अभी ये जो 2018 का चुनाव था उसमें भी केवल 100 सीटें तो आई थी, बाकी तो इन्होंने बसपा के लिए निर्दलीय लिए यूं लेके अपने आप को बहुमत में साबित करके सीट उन लोगों को मुख्यमंत्री मिल गए और सत्ता में कांग्रेस आ गई। अब हम दूसरी पार्टियों की भी बात कर लें, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस ही नहीं है, बाकी की भी 10-20 पार्टियां हैं। अब आरएलपी ने जब अपने तीन विधायक जिताए, जरूरी नहीं अब की बार वो तीन से पांच पे जाए या तीन भी नहीं रहे, क्योंकि राजस्थान में ऐसा कई बार देखने में आया कि पहली पहली बार जनता सबको स्वीकार करती है।
कि नहीं ये नई पार्टी है, ये कुछ ना कुछ आगे आएगी, ये कुछ बदलाव करेगी, लेकिन हनुमान बेनीवाल और उनके समर्थकों ने एक तरह से जातिवाद का जैसा मामला बना दिया है। हालांकि हमने जब हनुमान बेनीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे ऐसा वीडियो पब्लिश किया, जिसका लिंक मैं आपको इसमें दे रहा हूं, तब हनुमान बेनीवाल के कई समर्थकों ने फोन करके धमकाने की कोशिश की कि अब तुम क्या पत्रकार हो, क्या जानते हो, लेकिन ऐसा सब रूटीन के काम है। लेकिन अगर ये 3 सीट भी नहीं आई तो हनुमान बेनीवाल भी वापस बीजेपी में जाके अपना लोकसभा में राजनीतिक अस्तित्व तलाश करेंगे। दूसरी तरफ आदिवासी क्षेत्र के अंदर बीटीपी पार्टी है जिसके 2 विधायक बने, लेकिन वो दोनों विधायकों ने मिलके और नई पार्टी बना ली। मतलब वहां भी विरोधाभास है। कम्युनिस्ट पार्टी अपने 8-10 लोगों को उतारती है, 2 लोग विधायक भी हैं, लेकिन इस तरह का जब संघर्ष तेज होता है तो कहीं ना कहीं बाकी पार्टियां सब हाशिए पर चले जाती है। आम आदमी पार्टी तो अभी तक अपने उम्मीदवार तक घोषित नहीं करी, जिसने ये बोला था कि हम 200 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सही मायने में उम्मीदवार मिलना भी बहुत बड़ी बात है। अगर पंजाब से जो भ्रष्टाचार से पैसा कमाया हुआ है या दिल्ली से पैसा कमाया हुआ है, उनके पास जो 500 हजार करोड़ रुपए राजस्थान के चुनाव पे खर्च करने के लिए वो सोचते हैं, तब तो हो सकता है हर जगह कुछ उम्मीदवार मिल जाए, क्योंकि उम्मीदवारों को 10-20-30 लाख रुपए दिए जाएंगे तो चुनाव हारे या जीते, लेकिन लोग उम्मीदवार बनने तो आ जाएंगे। सीट नहीं आएगी, पार्षद भी नहीं है एक राजस्थान के अंदर। आम आदमी पार्टी अभी तक एक पार्षद नहीं बना पाई, और राजस्थान भाषणों में आती है एक मौका केजरीवाल को। क्यों भाई साहब, अगर एक मौका आपको दिल्ली में मिला, एक मौका पंजाब में मिला, तो राजस्थान में 2-4 पार्षद तो बना देते, उपचुनाव तक नहीं लड़ पाए। उपचुनाव के अंदर भी इन लोगों के पास में काफी लोग पहुंचे कि उपचुनाव लड़ लें, लेकिन जिगर नहीं है। और वो ही जिगर अब देखने के लिए आ रहा है कि इस जिगर के अंदर अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ लोचा है। खैर, राजस्थान के अंदर जब हम कांग्रेस की या बीजेपी की बात करते हैं, जो प्रमुख पार्टियां हैं, तो कांग्रेस अशोक गहलोत को इसलिए नहीं बना पाएगी मुख्यमंत्री क्योंकि उन्होंने सोनिया गांधी के साथ में सीधी सीधी बगावत की थी। हालांकि उनके समर्थकों को कुछ टिकटें भी मिलेगी और कुछ जीतेंगे भी, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं आ पाएंगे कि कम से कम सत्ता को हासिल कर सके। बीजेपी चूंकि सत्ता में आ रही है, तो अब एक नई चीज है। अगर हमारे सामने गुजरात का उदाहरण देखें, हरियाणा का उदाहरण देखें, तो हमें स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि पैराशूट से भी मुख्यमंत्री आते हैं। जैसे खट्टर साहब हरियाणा के अंदर आए, बिल्कुल प्रचारक कहां से आए कुछ पता नहीं है, क्योंकि वहां सब कुछ माहौल ऐसा नहीं था। फिर गुजरात के अंदर जिस तरह से हुआ कि मुख्यमंत्री कहां से आ रहे, दो दो तीन तीन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आलाकमान वहां पर बीजेपी में थोड़ा सा मजबूत हो चुके हैं। अब कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि जैसे यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ की कोई संभावना नहीं थी कि मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। राजस्थान में भी कई बार जनता सोच रही है गजेंद्र सिंह बनेंगे, वसुंधरा राजे बनेगी, या गुलाबचंद कटारिया बनेंगे, या सीपी जोशी बनेंगे, लेकिन कहीं से कोई बालकनाथ आके भी बैठ जाएंगे। कभी ऐसा होगा दो मजबूत लोग आपस में लड़ने वाले हैं, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, दोनों को धराशायी करके कोई तीसरा नाम आगे कर दिया जाएगा, क्योंकि अब की बार विधायकों की इतनी औकात नहीं रहेगी कि वो दिल्ली में मोदी, अमित शाह या नड्डा जी के सामने हो सके, क्योंकि 5 साल सत्ता से विरक्त रह चुके। यदि आपको ये वीडियो किसी के भी माध्यम से मिला है, मुख्यमंत्री के नाम में आपके दिमाग में कोई आता है, चाहे बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, या आप हमारे से राजनीति में किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं, हम उस पर पूरा विश्लेषण करेंगे, जानकारी करेंगे, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ गूगल या कुछ उम्मीदवारों से बात करना, ये सारा विश्लेषण करके और आप तक वो वीडियो लाएंगे। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ये ध्यान रखें, यदि आपको फोर्स न्यूज अच्छी लग रही है तो इसके वीडियो तब आगे बढ़ेंगे जब आप इस पर लाइक करेंगे, जब आप इसमें कमेंट्स देंगे, जब आप सब्सक्राइब करेंगे। तो कृपया आज फिर से इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉरवर्ड इसको जरूर भेजें, ताकि सभी भाजपाइयों को पता चल सके
या राजस्थानियों को पता चल सके कि राजस्थान में अगला मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। जय हिंद, वंदे मातरम।